हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए। इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो लेट से पहुँचेगा। जो जानकारी आज आप पहले देख सकते हो उसको लेट से देख कर क्या फ़ायदा। जो स्टॉक मान लीजिए 1000 रुपये में है, वही स्टॉक 2000 रुपये में चले जाएगा तब वीडियो देखोगे, या 1000 रुपये में था तब वीडियो देखोगे। जब 2000 रुपये में वीडियो बनाऊंगा तो लोग बोलेंगे, सर पहले क्यों नहीं वीडियो बनाया, भागने के बाद तो कोई भी वीडियो बना देगा। अच्छा, सही बात बोला आपने, बिल्कुल। लेकिन जब 1000 रुपये में जब वो स्टॉक चल रहा था तब वीडियो बनाया तो आप लोगों ने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं, और ऊपर से डायलॉग मारोगे पहले नहीं बताया। तो सर कहाँ से बताया जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। उस कंपनी का नाम है सर अपोलो, ठीक है, APL अपोलो ट्यूब लिमिटेड, ऐसा है। 3% गिरा हुआ है पिछले एक महीने में, और हाई से देखेंगे तो मतलब 14%, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा कि इस गिरावट का फ़ायदा उठा लो सर, नहीं तो फिर ये इस गिरावट जो दिख रहा है ना 1800 का, फिर उसको तोड़ देगा और तोड़ने के बाद 2000 रुपये के बाजू में चला जाएगा। अब आप सोचो कि 1600 में ख़रीदना चाहोगे या 2000 रुपये में ख़रीदना चाहोगे। 2000 रुपये में ये डायलॉग फिर मत मारिएगा, पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि जब गिरा हुआ है तब फ़ायदा उठा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये कंपनी करती क्या है, अर्बन एरिया में जब बिल्डिंग बनाए जाते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना स्टील का इस्तेमाल किया जाता है सर, वहाँ पर स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कंपनी वही स्टील्स बनाती है। और 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इस कंपनी के पास, 10 जगह, ऐसा है। बहुत बड़े लेवल में मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये स्टील बनाती है, लेकिन केवल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, सोलर प्लांट के लिए, ग्रीन हाउस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ये सारे फील्डों के लिए कंपनी काम करती है। ये कंपनी का पावर आप यही सोच के पता कर सकते हो कि सर 55% मार्केट शेयर इस कंपनी का है, आधा से ज़्यादा सर, 55% मार्केट शेयर इसी कंपनी का। देख लो, बड़े बड़े जब इमारतें बनाई जाती है ना सर, तो इसका स्टील वगैरह इस्तेमाल किया जाता है ऐसा करके, और चारों तरफ से इसमें आपको ग्रोथ ही ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, कैश प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, EBITDA हो जाता है, रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सही है, नेट डेट मतलब नेट डेट थोड़ा कम, लेकिन ये सारी चीज़ अगर आप देखोगे तो सर एकदम ओके ऐसा है। इम्प्रूवमेंट नाम की चीज़ बहुत ज़्यादा है कंपनी में। अब इंडिया में भी देखोगे तो लगभग बहुत ऊंचे ऊंचे इमारतें बनती हैं, तो क्या ईंटा से बनाया जाता है ये सारी चीज़ों को? नहीं नहीं सर, स्टील से बनाया जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, ग्लासेस से बनाया जाता है। देख लीजिए, तो ये सारा जो है मुंबई में, दिल्ली में, या गुड़गांव में देखोगे, बेंगलोर में देखोगे, कर्नाटका में, पूरे कर्नाटका में देख लो, हर जगह में, गुजरात में देखोगे तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये डिफरेंट टाइप के इस कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपको देखने को मिला है। बहुत सारे तो सर ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पर कंपनी ने पेटेंट कर रखा है, मतलब ये यही कंपनी केवल करेगी और कोई नहीं कर सकती ऐसा करके। बहुत सारे ऐसे पेटेंट हैं जो कंपनी ने फाइल कर रखा है ऐसा, जो कि इस कंपनी को वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिल जाएंगे ऐसा करके। तो ये कंपनी बहुत बड़े लेवल में काम करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए ग्रोथ बहुत है सर इस कंपनी में, 800 से ज़्यादा इस कंपनी के पास तो डिस्ट्रीब्यूटर है, और 50,000 से भी ज़्यादा पूरे इंडिया में रिटेलर है सर। इतने लोग इसके साथ देते हैं, इतने लोग इस कंपनी के साथ क्यों खड़े हैं? वो लोग इस वजह से खड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर इसी चीज़ का है ऐसा करके। एक्सपेंशन प्लान मतलब बिजनेस को और बड़े लेवल पर ही एक्सपेंड करने वाले हैं। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते जा रही है कि नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब जो स्पेंडिंग कर रही है सरकार, तो सर इतना ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रेलवे के लिए, हाउसिंग के लिए, देखिए बजट में 66% ज़्यादा अमाउंट दिया गया, तो इतना ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है तो सर इनका भी तो बेनिफिट होगा ना, है कि नहीं? इस कंपनी का भी तो बेनिफिट देखने को मिलेगा ना। 3-4 नए प्रोडक्ट हैं जो कंपनी और लॉन्च करने वाली है ऐसा सोच लीजिए, और नए प्रोडक्ट हैं जो कंपनी लॉन्च करने वाली है, तो इस कंपनी के लिए समझो कि अच्छे दिन और आने वाले हैं। देख लीजिए प्रोडक्ट रेंज आपको बताया जा रहा, बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ना, अभी न्यू प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हो, नए प्रोडक्ट अभी जो है आने वाले हैं कंपनी के लिए, या फिर समझ लीजिए कि कुछ आ भी चुके होंगे। आप घर बनाते हो, ठीक है, ब्रिज बनाते हो, या कोई भी चीज़ बनाते हो, तो ये सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है
ऐसा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, 45,000 करोड़ की कंपनी है, आपको डिविडेंड भी देती है और प्रमोटर्स के पास 30% की हिस्सेदारी है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छे ग्रोथ वाली कंपनी में ऐसा होता है। 32% का CAGR आपको देखने को मिला, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत सही आपको देखने को मिला, ठीक है। प्रमोटर्स के पास थोड़ी हिस्सेदारी कम है, हो सकता है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ऐसा कर रहे हो, और मतलब जो है हर साल ये कंपनी जो है 17,000-16,000 करोड़ तक का बिज़नेस कर लेती है, जिसमें से ये कंपनी जो है 700-800 करोड़ रुपया कमा लेती है, ऐसा करके। बिज़नेस समझो बहुत ग्रेट है सर, इंडिया डेवलप होगा, ऐसी चीज़ें और डेवलप होते हुए नज़र आएगी।